हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में शुक्रवार पेट एरिया में विजय सेल्स में, जो एक बड़ी खिलौने की दुकान है जिसके ओनर है मिस्टर संजय कवार सर। तो आज हम सर से खिलौने के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग खिलौने का बिजनेस करना चाहते हैं जी, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिजनेस के बारे में, चलेंगे ना सर? ज़रूर, कहा नहीं। फिलहाल टॉयज सेक्शन के लिए बहुत अच्छी डिमांड है, पर्टिकुलर लॉकडाउन के बाद तो बहुत अच्छा टॉयज के रिलेटेड जितना भी बिजनेस है बहुत एक्सपांड हो रहा है। और एक्सपांड होने का एक लॉजिक पहले ये भी था कि 20 साल पहले की जनरेशन थी, जब एक खिलौना खेलने के बाद उसका छोटा भाई खेलता था या उसका और छोटा भाई खेलता था। हाँ। अभी वैसे नहीं है, हम दो हमारे एक है। हाँ। एक ही बच्चे के ऊपर फैमिली है, तो हर महीने का बच्चे के लिए लोगों का अच्छा बजट भी रहता है। हर हफ्ते लोग बच्चे के लिए टॉयज खरीदी करते भी है। तो अभी ये टॉयज का फ्यूचर अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर टॉयज के बिजनेस में अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो उसमें कौन सी वैरायटी वो रख सकता है? सर सभी वैरायटी रहती है, जैसे पर्टिकुलर से स्मॉल किड्स का आपको अगर टॉयज़ का काम चालू करना हो तो बॉर्न बेबी के आजकल नई नई अलग 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 शॉप्स है जहाँ पे सिर्फ जीरो से लगा के, जीरो मंथ से लगा के अप टू 3 इयर्स या 4 इयर्स तक के ही जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, नैपीज मिलते हैं, तो उसमें भी टॉयज़ का एक अलग डिवीजन रहता है। जो 4 साल तक के बच्चों का बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ का डिवीजन रहता है, या कुछ ऐसे ब्लॉक गेम रहते हैं जिसमें बच्चे शेप समझ सकते हैं या और ऐसी कुछ बहुत सारी कलर समझ सकते हैं, ऐसे कुछ गेम्स हैं तो उनके लिए वो एक डिवीजन है। इसके अलावा रेगुलर एंटरटेनमेंट, ऐसे टॉयज़ के लिए कोई एज लिमिट ऐसा नहीं है, जैसे आप और हम भी टॉयज से खेल सकते हैं। अपने को लगता है टॉयज मतलब वो सिर्फ किड्स से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है। आदमी जन्म से लगा के मृत्यु तक कोई भी खिलौने के साथ खेलो, मजा ही मजा है, जिंदगी के आनंद लो टॉयज के साथ। सर टॉयज का अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो कौन सी वैरायटी उसमें रखनी चाहिए अगर कोई नया शुरू करता है? जैसे मैं पूना से हूँ, जैसे वैसे मेरा वीडियो आप सब लोग पूरे इंडिया में देखते होंगे, और जैसे मैं पूना एरिया से बात करते हैं, जैसे मैं पूना के मिडिल सिटी में से हूँ, तो पूना के एवरेज मतलब जैसे GPO कहते हैं या पूना का जीरो माइलस्टोन है, वहाँ से 8 दिशाओं में 20 किलोमीटर एरिया में पूना इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है और इतनी बार आउटसाइड सोसाइटीज बन रही है, तो हर एरिया बिजनेस के लिए अच्छा ही है। स्मॉल स्केल के ऊपर जिसको चालू करना है तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आदमी कम से कम दुकान अच्छी भर सकता है, क्योंकि अमाउंट कम लगती है और आइटम बड़ी बड़ी रहती है तो फुगार माल रहता है। जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ हो, पेन ड्राइव अगर मैं 10 रखता हूँ तो समझ लो इतने से पेन ड्राइव 5000 के होंगे, बट वही 5000 में खिलौने बहुत सारे आते हैं जिससे पूरी वॉल भर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर डेयरिंग कि आप डेयरिंग करके कैसे माल भर सकते हो, उसके ऊपर ये सब खेल है। बाकी टॉयज लाइन को बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छे गोल्डन दिन है, बहुत अच्छे दिन। अगर नंबर में देखेंगे सर तो कितने, मतलब जैसे 200-500 ऐसे कितने वैरायटीज? अनलिमिटेड, नंबर में काउंट ही नहीं कर सकते सर। जैसे कल आप खुद आपका कारखाना डालेंगे, आप कुछ नई आइटम बनाने की कोशिश करें तो वो नई वैरायटी में काउंट होता है। बराबर, सेम वैसे ही, इसको कोई लिमिटेशन नहीं। बट बाकी उसमें जो ट्रेडिशनल गेम्स है, जैसे ये आपका सवाल नहीं है पर फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपको, कि जो ट्रेडिशनल गेम्स है जो 40 साल पहले भी बिकते थे, कैरम बोर्ड है, चेस है, स्नेक्स एंड लूडो लूडो गेम है, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स है या बिजनेस टाइप का गेम है, तो ये 3-4 गेम्स है जो ट्रेडिशनल गेम्स है, इनको मतलब क्या कहते हैं कि उनका सेल कभी खत्म नहीं होने वाला, अनएंडिंग मार्केट है उनका, एवरग्रीन मार्केट है। और ये चीज़ें खराब होने वाली है, कल समझ लो मेरे घर पे भी अगर बिजनेस गेम है या चेस गेम है तो 2-4 महीने बाद उसका कुछ ना कुछ जो भी उसकी कवड़ी रहती है, चेस के जो पार्ट्स थे, एक आध दूसरा पार्ट गुम होता है तो वापस वो वेस्ट होता है, वापस नया लेना ही है, तो रोटेट होते रहते हैं ये सब चीज़ें, रोटेट होती ही रहती है। सर अगर कोई टॉयज़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना जरूरी है बिजनेस शुरू करने के लिए? सर बहुत अच्छा रहेगा अगर वो एक्सपीरियंस करता है, अगर कोई भी जहाँ पे जो कोई टॉयज़ की सेल होती है, टॉयज़ की जहाँ पे मार्केट है या टॉयज़ का कोई भी रिटेल शॉप है, वहाँ पे जाके अगर वो बंदा जिसको जेन्युइनली काम करना है, जेन्युइनली अगर जिसको दुकान डालनी और सक्सेसफुल होना है, तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए अगर रिटेल दुकान पे जाके अगर सर्विस करेगा, रिटेल में कितने कस्टमर क्वेश्चन कर सकता है, कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे समझ लो ये एक सिर्फ ये माइक है पर ये माइक के ऊपर मेरे को जितना पता है मैं 10 सवाल कर सकता हूँ, अगर मैं रिटेल में जाके भैया माइक लेके जाके बैठूंगा तो कस्टमर इतने जितने क्वेश्चन अपने दिमाग में उपज नहीं आते, इतने अलग अलग कस्टमर क्वेश्चन करता है, जब 3 महीने आदमी फेस करेगा कि कस्टमर ये अपने को सवाल करने वाला है, उसको अपने को ये जवाब देना है, इस तरह से देख के वो चीज़ देख के उसको अपने को सेल करना है या उसका समाधान करना है, तो उसके लिए 3-4 महीने की जो ट्रेनिंग जरूरी है, जहाँ पे आप पगार की अपेक्षा मत करना, भले फ्री में काम करना पर 4 महीने वहाँ पे सेल्समैन के साथ काम करके देखना कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, कस्टमर क्या क्या सोल्व कर सकता है, कस्टमर क्या क्या डिमांड कर सकता है।
सर खिलौने की दुकान ऐसा जैसा ऐसे मतलब जब ये दिमाग में आता है तो चाइना का नाम ध्यान में आता है। राइट राइट राइट। तो क्या सर मतलब इसमें कौन से आइटम चाइना से आते हैं? मतलब लोगों की काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है चाइना कंट्री से रिलेटेड कि कुछ भी अगर अपने कुछ भी दो कंट्रीज के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो लोग चाइना चीज़ों का बहिष्कार डालते हैं। हम लोग भी खुद वही चीज़ें बेचते हैं जो चीज़ों को इंडियन चीज़ों का ऑप्शन नहीं है वही चीज़ें हम लोग बेचते हैं, बट काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कंपलसरी मेड इन चाइना ही आती है जो अपने यहाँ पे अभी तक नहीं बन रही है। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चालू किया आत्मनिर्भर भारत तो उसमें भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे बैटरी ऑपरेटेड जो भी कुछ टॉयज है वो हिंदुस्तान में नहीं बनते पर वो भी अभी धीरे धीरे बनना चालू हो रहा है और हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए अपने को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंसी एक्चुअली, जैसे अपनी भी कई सारी नॉट ओनली टॉयज बट कई सारी ऐसी चीज़ें वो चाइना के लोग यूज़ करते हैं जैसी चीज़ें, हाँ। तो सेम वैसे ही हम लोग भी उनकी चीज़ें बेचते हैं जो ऑप्शन नहीं है उनको। जिस पहला हमारा रेफरेंस वही रहता है कि पहले हम लोग स्वदेशी चीज़ यूज़ करें करके, पर जो चीज़ें यहाँ पे नहीं बन रही और बच्चे की वो जिद ही है, जैसे रिमोट की कार आप शादी से शादी वायर वाली रिमोट कार लेने को जाओ या वायरलेस रिमोट कार लेने को जाओ तो वो भी अभी तक तो हिंदुस्तान में नहीं बन रही है पर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। सर अगर कोई खिलौने का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा? अच्छा लोकेशन बस आजू बाजू 400-500 सोसाइटी की। आजकल क्या है 1 BHK 2 BHK ये जैसे मेरा वीडियो तो आज नेशनल लेवल के ऊपर सब लोग देख रहे हैं बट आजकल हर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। कोई छोटे से छोटे तालुका प्लेस पे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भी जाएंगे तो वहाँ पे टाउनशिप बन रही है जहाँ पे 200-250 फ्लैट की स्कीम बनती है 100 फ्लैट की स्कीम बनती है। ऐसे अगर 400-500 फ्लैट का भी लोकेशन हो तो वो लोकेशन आपके लिए काफ़ी है। बराबर। हर घर से एक बच्चा मतलब 500 बच्चे हो गए। बराबर। 500 बच्चे के माँ बाप एवरेज मंथली हर बच्चे को 5 खिलौने लेंगे। इसके अलावा 500 बच्चों में से साल में हर बच्चे का घुमा फिरा के कभी ना कभी बर्थडे जब आएगा तो उसमें से बाकी 10 बच्चों को बुलावा भी आएगा तो वो भी आपके पास गिफ्ट लेने को आएंगे। बराबर। और सर जैसा आप होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं, सही है? जी हाँ। तो वैसा अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए लगभग कितनी जगह लगती है और लोकेशन कैसा? सर होलसेल के लिए तो जो भी सिटी का आप जो सिटी में हो वहाँ पे जो भी होलसेल मार्केट, हर सिटी में एक होलसेल मार्केट रहता ही है तो उससे कनेक्टेड ही काम करो। और जिसको कम मुनाफे में काम करना है वो तो घर से भी काम कर सकते हैं। टॉयज़ जैसी ये जो लाइन है टॉयज़ की लाइन में भी जैसे बोर्ड गेम का डिवीज़न अलग रहता है, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ का डिवीज़न अलग रहता है, फ्रिक्शन कार्स का डिवीज़न अलग रहता है। अच्छे लेवल पे आपको होलसेल करना तो मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होलसेल के लिए बहुत ज़रूरी है, 500 स्क्वायर कम से कम, तो उसमें आपको काम करने का मज़ा आएगा। इस चीज़ में कैपिटल इतना मायने नहीं रखता जितनी जगह लगती है। सर हम देखते हैं कई सारे लोग किराए की दुकान लेके बिजनेस करते जी हैं। जी तो सर अगर टॉयज का अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है 2021 में फिर आने वाले दिनों जी तो सर किराए का रेंज कितना होना चाहिए? मैं ऐसे जवाब देना मुश्किल है सर क्योंकि जैसे आप मेरे को पूना सिटी से पूछ रहे तो पूना सिटी में जैसे मैंने आउटसाइड की बात की तो आउटसाइड में अच्छे एरिया में दुकान आजकल 15,000 रुपये रेंट में दुकान आउटसाइड में मिल जाती है। अगर सिटी का एरिया तो 20-25,000 रुपये का भाड़ा है तो फिर भी सर जैसा मतलब 15-20,000 रेंट ऐसा एवरेज तो हम पकड़ के चलते हैं जी हाँ। तो उतने रेंट मतलब अगर ये बिजनेस करेगा तो ये पैसा निकल जाएगा? निकलना ही चाहिए। 100 मैंने आपको बताया ना सर कि 1,00,000 रुपये का अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहते हो 50,000 या 1,00,000 रुपये और उसमें अगर 20,000 रोटेशन भी आपका हर हफ्ते अगर रोटेट होता है और एवरेज मुनाफा मिनिमम 50% का, सब नफा नुकसान पकड़ के 50% का मुनाफा पक्का है सर। अगर आपका एवरेज मंथली से भी 1,00,000 रुपये का आता है तो आपका 50,000 रुपये उसमें मिलता ही है सर। तो ये और ये सिर्फ स्टार्टअप हो गया। एक बार आपको 2-3 महीने में डेरिंग हो गई कि अपना ये इतनी महंगी महंगी चीज़ भी लोगों के लिए लेते हैं, बच्चे के लिए लोग एक एक छोटी रिमोट की कार 2,000-3,000 रुपये में लेते हैं तो आपकी हिम्मत खुलेगी तो आप और भारी वाली चीज़ रखना चालू करोगे। सर अगर कोई टॉयज का बिजनेस खिलौनों का बिजनेस करना चाहता है हाँ होलसेल में हाँ उसको मतलब कस्टमर्स कैसे लाने पड़ेंगे? जो भी जनरल स्टोर से दुकानदार होंगे गिफ्ट आर्टिकल्स के 50% गिफ्ट आर्टिकल्स बेचने वाले दुकानदार टॉयज बेचते हैं तो उनके पास जाके मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेगा ना सर। कोई भी चीज़ आपको चालू करना तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, उसके दुकान पे जाके आपको आपका कार्ड देना पड़ेगा, मेरा ये 3-4 बार विजिट देनी पड़ेगी, उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा। आजकल एवरेज लगभग सब लोगों के पास व्हाट्सअप नंबर रहता ही है और व्हाट्सअप के ऊपर ही ज़्यादा बिजनेस होता है। उनको रेगुलर फॉलोअप करेंगे, हर 3-4 दिन में कुछ ना कुछ फोटो आप अपनी स्कीम भेजोगे, आपकी कुछ आप क्या अलग वैरायटी रखते हो वो अगर आप सेंड करोगे तो डेफिनेट 5 बार विजिट देने के बाद वो 6ठी बार वो बंदा आपके दुकान पे आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार मैं आपके यहाँ पे जाके आया और हाथों हाथ आएंगे नहीं आता है। कस्टमर आने के लिए बहुत एक तपस्या लगती है या टाइम भी लगता है, पर आप 4-5 बार टाइम दो, हर बार कस्टमर के साथ जाके 10-10 मिनट बातें करेंगे, 5 बार कभी बातों करोगे तब 6ठी बार वो कस्टमर आपके पास आएगा। ऐसे 100 लोग जब आपके पास आएंगे तो 100 में से 20 लोग आपके पास से माल लेके, ये दुकानदार की बात करो, 20 लोग आपके पास से माल लेके जा सके। ऑनलाइन की वजह से फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह इनकी वजह से ऐसा
नहीं सर, उल्टा हेल्दी कंपटीशन हुआ है। मैंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से दुकानदारों का बहुत फायदा हुआ है, दुकानदारों का श्रम बच गया है। पहले जो 10 चीज़ें सेल्समैनशिप बच गई, जो चीज़ें दिखानी पड़ती थी वो टाइम बच गया, टाइम सेविंग हो गया, एनर्जी सेविंग हो गई। और उससे ऑनलाइन महंगे के वजह से जब कस्टमर कंपैरिजन करता है कि यार ऑनलाइन चीज़ 800 में और मेरा पड़ोसी दुकानदार तो 700 में ही दे रहा है, तो उससे एक आपका भावनिक रिश्ता दुकानदार के साथ के नहीं, अपना दुकानदार अच्छा है जो सस्ता बेच रहा है, बराबर, ये आपका इंप्रेशन खुद होके गिर रहा है। जैसा बाकी बिजनेस में देखा जाए तो उसे मोबाइल में वगैरह ऑनलाइन सस्ता मिलते हैं, तो टॉयज में मतलब ऐसा हमारे एंगल से तो ऑनलाइन में टॉयज ब्रांडेड एक दो कंपनी की कुछ गिने चुने कंपनी के हर प्रोडक्ट भी नहीं, कंपनी ब्रांडेड कंपनी कुछ एक दो आइटम सस्ते छोड़ के बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और ये हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने भी ऐसे ही, मेरी दुकान है पर मेरी दुकान से नहीं लिया, ऑनलाइन मंगा के देखा, बाद में समझ में आया कि उसका साइज भी छोटा था, कलर भी अलग निकला, जिसको रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं चाहिए, एक पीस ब्रोकन निकला, तो उसके बाद उन्होंने मतलब बस गार्ड बांध दी कि अभी ऑनलाइन नहीं खरीदी करना है। हम तो हर कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक बार ऑनलाइन मंगा के देखो। कृष्ण सर, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर जी अगर कोई टॉयज का एक अच्छा दुकान शुरू करना चाहता है तो सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 1,00,000 रुपये मिनिमम काफ़ी हो गया, 3,00,000 रुपया मीडियम, और डिपेंड्स आपका एरिया, आप कैसे शोरूम करते हो। अगर अच्छे एरिया में अगर आप काम करते हो तो सिर्फ फर्नीचर ही डालो, 2,00,000 का तो फर्नीचर हो जाता है आज की तारीख, बराबर क्या फर्नीचर, लाइटिंग, बाहर का जैसे मैंने बाहर लॉन आप कैसे सजाते हो, बाहर कुछ चीज़ें बच्चों के लिए आजकल जैसे बाहर आउटसाइड मैंने बोला पहले कि दुकानों के बाहर जगह मिलती है, तो 3-4 चीज़ें फ्री में बच्चों को खेलने को भी रख दो, सिर्फ सीसॉ या जो भी कुछ चीज़ें खेलने के लिए रखते हो तो भी वो अट्रैक्शन पॉइंट होता है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड लोकेशन। लोकेशन तो लगभग 3,00,000 में भी ठीक ठाक, 3,00,000 में भी, मैं सिर्फ माल की बात कर रहा हूँ, 3,00,000 में फुल दुकान भर सकती है, 3,00,000 का माल। और अगर आपको अच्छा ही काम कर रहा हूँ तो 10,00,000 की इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट होगी, इनफ हो गई। और सर होलसेल और रिटेल दोनों करना चाहे तो लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट? होलसेल में तो लंबी लागत है सर, डिपेंड्स आप क्या आइटम चॉइस करते हो उसके ऊपर है, हल्की आइटम में रखते हो तो उसमें 5-7 लाख भी इन्वेस्टमेंट, जो जिसमें 30-40 रुपये की दिल्ली मेड कार आती है वो, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट 5-7 लाख की काफ़ी है। पर ये अगर चाइना की अच्छी चीज़ें या इंडियन अच्छे बोर्ड गेम या ब्रांडेड गेम्स आप रखते हो तो उसके लिए 20-25 लाख के नीचे आपका कैपिटल नहीं काम आएगा। और सर ये दुकान में जो माल आता है होलसेल के दुकान में जी, ये कहाँ से माल आता है? ऑफकोर्स जैसे हर सिटी के नज़दीक कोई ना कोई बड़ा, जैसे अभी आप मुंबई की महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे पुणे में माल आता है मुंबई से आता है, जैसे बेंगलोर है कर्नाटका साइड के लिए, जैसे चेन्नई में पोर्ट है, और जैसे इंडियन टॉयज़ का बड़ा हब जो दो हब है वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के इंडियन टॉयज़ बनते हैं, बॉम्बे में ही बनते हैं और सेकंड थिंग दिल्ली में बनते हैं, दो पॉइंट बड़े हैं मुंबई एंड दिल्ली इंडियन टॉयज़ के लिए। और चाइना टॉयज़ जो भी है, जो जैसे जहाँ पे जो कोई इंपोर्ट करता है, बॉम्बे वाला बॉम्बे इंपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें दिल्ली भी इंपोर्ट होती है, बराबर। सर खिलौने का बिजनेस अगर कोई शुरू करता है और अगर माल बिकता नहीं है तो क्या ये रिटर्न किया जाता है? नहीं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं आती सर। मैंने आपको सबसे पहले, नहीं खराब तो कोई चीज़ होती नहीं, अगर आप प्रॉपर हैंडल करके रखो तो ये कोई खाने की चीज़ नहीं कि जो खराब होगी। टॉयज के बिजनेस में क्या कोई ऑफ सीजन रहता है जहाँ पे अगर धंधा? नहीं सर, बिल्कुल कोई ऑफ सीजन नहीं है, और पर्टिकुलर लॉकडाउन के बाद, ये कोरोना के बाद तो टॉयज का सीजन एवरग्रीन हो गया हमारे हिसाब से, हम जो रीड कर रहे हैं एवरग्रीन मार्केट है, क्योंकि बच्चों के बर्थ को ऐसा कोई पर्टिकुलर महीना नहीं रहता है, और बाकी इसके अलावा 3 महीने जो छुट्टियों, गर्मियों के छुट्टियों के दिन रहते हैं, वैसे हमारे हिंदुस्तान के लेवल में लोग सोचे तो एवरेज हर जगह तो मार्च अप्रैल से जो छुट्टियां वेकेशन लगती है, गर्मी की छुट्टियां लगती है, वो जून तक चालू रहती है, और सेम क्रिसमस के मंथ में 1 महीने की ओवरऑल ये सब जगह पर रहती है छुट्टियाँ, तो उस टाइम भी लोग बच्चों के लिए खिलौने के लिए अच्छे पैसे स्पेंड करते। पर पर्टिकुलर ये पहले की थ्योरी हो गई, पर अभी ऐसे कोई सीज़न नहीं रहा सर, 12 ही महीने अच्छा सीज़न है, 12 ही महीने, 12 ही महीने अच्छा एवरग्रीन सीज़न है। टॉयज़ के बिजनेस में दुकानदार को लगभग कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है? 50% ओवरऑल, जैसे नफा नुकसान पकड़ेंगे, जैसे कोई चीज़ नहीं बिकेगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचनी पड़ेगी, आपकी जो खरीदी उससे 10, जैसे 100 में आप चीज़ खरीदी कर रहे हो तो 170-180 में 50 चीज़ें ऐसी, जैसे आपके पास 100 चीज़ें उसमें से 50 पीस ऐसे हैं जो 100 की चीज़ें 180-170 में बिकती है, 30 चीज़ें ऐसी जो 130-140 में बिकेगी, और 10 या 20 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 5 चीज़ों का आपका नुकसान होगा, जो शायद नहीं बिकेगी या डैमेज हो जाएंगी, और बाकी की 10-15 चीज़ें ही आपको शायद कॉस्ट टू कॉस्ट 100 की 100 में ही निकालनी पड़ेगी। उसका अगर आप एवरेज रेशो निकालते हो तो 50% रेशो आ जाता है। 50% क्या सर? जैसे हर प्रोडक्ट में आजकल ब्रांड देखा जाता है, तो क्या टॉयज के बिजनेस में भी कस्टमर की ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है? है, कस्टमर ब्रांड के हिसाब से चलता है और लोग आजकल ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। तो इसमें कौन से पॉपुलर ब्रांड है अभी? जैसे हॉट व्हील्स है, बार्बी है, फन स्कूल है, ये सब ब्रांडेड कंपनीज है, ऐसी काफ़ी बहुत सारी कंपनीज है, मैंने 2-3 नाम लिए। थोड़े हेवी रेंज में हो गए, जैसे इकोनॉमिकल क्लास में रत्ना करके आता है, ओलंपिया गेम्स करके आता है, अनमोल गेम्स करके आता है, एकता गेम्स आता है, तो सर अगर हैवल्स करके एक कंपनी आती है,
तो सर अगर कोई टॉयज़ का बिजनेस नया शुरू करता है 2021 में, हाँ, तो उसको दुकान में क्या ये ब्रांडेड चीज़ें रखनी ज़रूरी है? सर कुछ ब्रांडेड चीज़ें रखना ज़रूरी है, अट्रैक्शन पॉइंट के लिए भी रखना ज़रूरी है। मतलब वो कस्टमर पहले ब्रांडेड लेके आता है, पर जब कोई चीज़ों के रेट सुनता है तो फिर कस्टमर खुद होके आपको ऑप्शन देता है कि सर इसमें कोई सस्ता है तो दिखाओ, फिर आपको सस्ती चीज़ें दिखा नहीं है। और ब्रांडेड लेने वाला ब्रांडेड भी लेता है, ब्रांडेड भी चीज़ें आप रखो, आप डेयरिंग करेंगे तो वो चीज़ें भी बिकती है। और सर टॉयज़ का अगर कोई होलसेल बिजनेस करता है तो होलसेल में कितना प्रॉफिट मिलता है? ओवरऑल 7-8% का मार्जिन है सर उसमें। जैसे अगर बाकी कुछ शॉप्स के खर्चे, जैसे शॉप का रेंट या टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस या अदर कोई भी स्टाफ की सैलरी वगैरह आप निकालते हो, तो उसके बाद 7-8% होलसेल में निकलता ही है, निकलना ही चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है। तो सर अगर कोई होलसेल करता है तो होलसेल और रिटेल दोनों करेगा तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर होलसेल नहीं? होलसेल करने वाला होलसेल ही कर सकते हैं, रिटेल दोनों अलग अलग कैटेगरी है। होलसेल करने वाले को रिटेल करना जमेगा भी नहीं। जैसे हमारा ज़्यादातर के होलसेल का है तो हम लोग फिलहाल रिटेल कम ही कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल में क्या होता है कस्टमर को 50 चीज़ दिखानी पड़ती है। होलसेल में फटाफट दुकानदार आके 50 चीज़ दिखाने के बाद उसमें 10 चीज़ें फटाफट, ये 3 पीस दो, वो 2 पीस दो, ऐसे फट से निकाल देता है। बराबर, तो दोनों एक्चुअली कैटेगरी अपने अपने जगह पे है, पर जिसको जेन्युइनली होलसेल करना है, अगर वो पहले से ही प्री डिसाइडेड करे कि नहीं मेरे को होलसेल ही करना है, तो अगर होलसेल करना है तो होलसेल ही करे, रिटेल करना तो रिटेल कीजिए। सर अगर कोई टॉयज का एक बिजनेस शुरू करता है, नया दुकान शुरू करता है रिटेल, और उसमें उसको सफल होना है, तो सर किस तरह से काम करना चाहिए? सर काम तो ऐसा है कि अभी आप खुद एक्चुअली सब लोग एंड्रॉयड वाले ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर के, ऑनलाइन फील्ड आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है वो आपको पता है, आप जो भी चीज़ बेच रहे हो आपको आजू बाजू पता होना चाहिए कि ऑनलाइन ये चीज़ क्या बिक रहा है, और उससे कस्टमर कुछ बोलेगा आपको मुंह पे आके बोलेगा अगर यार ऑनलाइन इससे सस्ती मिल रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एक ये छोटा सा क्यूब है, ये मैं बताते समय मुझे पता है कि मेरी ये शॉप है, अगर मुझे पता है ऑनलाइन आजू बाजू अमेजोन या XYZ जो भी कोई प्राइवेट जो भी कुछ चैनल से उसके ऊपर ये अगर 120 में बिक रहा है और मेरे को अफोर्डेबल है 100 में, और मैं कस्टमर को 140 बताऊंगा, फिर मुझे वो जवाब देगा कि नहीं सर ये तो ऑनलाइन सस्ता मिलता है, उससे अच्छा कस्टमर ये मुंह खोले, उससे पहले हम लोग अगर प्री डिसाइड करे 100 रुपये ही बताए तो कस्टमर खुद होके वो अपने से ले लेगा। अगर रोज के एक दो भी फोटो भेजो या रोज के कुछ ना कुछ ऑफर भेजो तो आपके साथ कस्टमर बंधा हुआ रहेगा, और कस्टमर को भी ध्यान रहेगा कि ये दुकानदार डेली अपडेट दे रहा है अपने को, और करंट मार्केट सिचुएशन जैसे जो कुछ नया मार्केट में आ रहा था वो भी आप अपडेट करो तो अच्छा रहेगा। ये मोबाइल से आपको बहुत ईजी एडवर्टीजमेंट करना हो गया, बहुत कम कॉस्ट में होना है। पहले इसके लिए आपको बैनर पाम्पलेट बांटने पड़ते थे या पैम्पलेट छपवाने पड़ते थे, अभी वो सब नहीं है। तो फिक्स रेट में बेचना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब डेफिनेट फिक्स रेट तो पॉलिसी बहुत अच्छा है कोई भी सफल दुकानदार के लिए। अगर आप मॉल में भी जाते हो तो फिक्स रेट रखो, वही ज़्यादा बेहतर है, उसमें काम करने का मज़ा आता है। बट नॉर्मली नॉवल्टी लाइन में ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में फिक्स है कि 10% डिस्काउंट तो चाहिए। मैं भी जैसे कोई भी दुकान पर जाता हूँ एज अ कस्टमर, तो कोई भी फैंसी चीज़ें लेता हूँ, नॉवेल्टी चीज़ लेता हूँ, तो यार इनको तो बहुत मार्जिन है, 10% तो दुकानदार कम करेगा ही। जा फिक्स डिसाइडेड करो कि 10% लोगों को डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, तो वैसे ही प्राइस टैग लगाओ। सर अगर किसी दुकान का लगभग 20,000 रुपये रेंट है, हाँ, और एक स्टाफ काम कर रहा है, हाँ, उसके पास, तो सर खर्चा निकालने के लिए कितना सेल होना चाहिए महीने का, या फिर सर वो एरिया और कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर है ना। जैसे 20,000 का आपका अगर शॉप का रेंट है, 10,000 रुपये एक स्टाफ का खर्चा हो गया, इसके अलावा 4-5,000 रुपये बाकी खर्चे, उसमें मोबाइल बिल आ जाता है, लाइट बिल पकड़ लो 1,500-2,000 लाइट बिल, बाकी जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं वो सब पकड़ के 35,000 तो खर्चा यही हो जाता है। बराबर, तो डेली कितना सेल होना चाहिए? डेली सेल उसके लिए मेरे से 5,000 के भी सेल हो, 5,000 का सेल, 1.5 लाख का सेल हुआ तो उसमें 50,000 रुपये तो पक्का आपका है, तो पीछे 15,000 छूटेगा। ये मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, एक बार आपकी डेलिंग जब खुल जाती है, अगर आपका 2-3 महीने का या 6 महीने का भी अगर 5,000 का एवरेज रेशो आ गया, मतलब कभी 3,000 आएगा कभी 7,000-8,000 आएगा, अगर पहले 6 महीने आपका अगर रेशो बैठ गया तो आगे आपका बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सर अगर खिलौने का बिजनेस कोई शुरू करता है, हाँ, और दुकान अच्छा चलता है, हाँ, तो सर कितना पैसा इसमें मिल सकता है अच्छा चलने के बाद? सर वापस वही है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसके ऊपर है, ऐसी बात है। फिर भी अगर दुकान अच्छी चलती है, अच्छी दुकान का हम लोग जैसे नोट करते हैं ना सर कि एवरेज सेल अच्छी दुकान का अगर महीने का वन मंथ का दिन अगर किसी की दुकान सेट हो गई 3 साल के बाद, तो कम ज़्यादा करके अगर 3 लाख का भी रेशो आता है, 3 लाख का मंथली रेशो आता है, 3 लाख में खर्चा जाके 1 लाख रुपया आपका पक्का है, मतलब मंथली आप 12 लाख रुपया पक्का बाहर निकाल सकते हो। ये मैंने कम इन्वेस्टमेंट की बात की, कम इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी और बड़ी बड़ी आप चीज़ें रखते हो, बड़ी बड़ी रिचार्जेबल कार्स आती है 8,000-10,000 की, 25,000 की, तो उसका गणित बहुत अलग है। ऐसे इसका जवाब प्रॉपर देना मुश्किल है, मैं आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट करना ही चाहूँगा, नेगेटिव बात देना नहीं चाहूँगा, ये सब अपनी तपस्या के ऊपर आखिर को ऐसे।
सर अभी आपका होलसेल, बड़ा होलसेल का दुकान है, यहाँ पे अगर कोई शॉपिंग करने आना चाहते हैं हाँ, तो कैसे आ सकते हैं? आपका एड्रेस क्या है दुकान? शुक्रवार पेट नेहरू चौक मेरी दुकान है, 808 शुक्रवार पेट नेहरू चौक, प्रवीण मेहंदी के बाजू में। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कुटनीस दवाखाना करके, ये इसको नया नाम गाड़ीखाना हॉस्पिटल है। गाड़ीखाना हॉस्पिटल फेमस लैंडमार्क है जो गवर्नमेंट का, उसके बैक साइड के गेट को मेरी शॉप है, विजय सेल्स नाम से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू वेरी मच सर, इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।